वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन् देखा है ना वो उड़ता है तो ऐसे 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 बोलता हो ऐसे पाँव करके करके ऊपर चला जाता है ऐसे आ जाएगा पंख लगाना बंद करके ऐसे बोलता है बस वो आकाश में भाई वो ऊपर तैरता हुआ चला जा रहा है अपना कोई उद्योग नहीं करता ऐसे है परमा का चिंतन परमात्मा ध्यान जप करते 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 एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण समझ गए ऐसे वो चुप हो जाए ना सही से कोई क्रिया हो ना मन से कोई चिंतन हो कुछ नहीं ऐसे होने उस परमात्मा में स्थिति मिल जाती स्वतः स्वाभाविक परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है और शरीर में संसार में स्थिति अस्वाभाविक है ये कृत्रिम है और परमात्मा में स्थिति वो स्वाभाविक कृत्रिम नहीं है भाइयों को विशेष जची हुई रहती है कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे तो परमात्मा दूर है अलग है
तो कैसे वे मिलेंगे? अभी कोई एक मैसेज तो आगे बड़ा आदमी होता है, मिलने में दिल नहीं लगती, तो भगवान सबसे बड़े हैं तो उनके मिलने में दिल लगती होगा, परिश्रम करना होगा, ऐसी भावना बैठी हुई है। इस जगह आप ऐसी कृपा करें, कृपा तो परमात्मा सब जगह संदेश काल वस्तु व्यक्ति में है, तो उसमें एक परमात्मा यहाँ पर चुप हो जाएगा। शनई शनई उपरमेत बुद्धिया धृति गृहितया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाए। उपराम बात लिखे द्वेष नहीं, राग नहीं, कैसे दिन छूटे ऐसा नहीं, सत्य उपराम, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न उसे कुछ लेना है न कुछ देना है, न कुछ करना है न करवाना, ऐसा हो उपराम हो जाए, उपराम हो जाए। धैर्य रखे उपराम का नहीं हो, ऊपर से नहीं हो, मन से चिंत में जाकर उसमें कोई धैर्य न छोड़े, देखिए बोलते हैं संसार याद आ गया, आ गया नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात याद आ गई, अच्छी बात आ गई, मंदिर आ गई, नहीं आ गई, परवाह नहीं करे। एक परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह स्वतः सिद्ध है, सब शास्त्र वेद पुराण संत महात्मा कहते हैं वो परमात्मा संधि है। उस परमात्मा में स्थिति संपूर्ण संसार की स्वतः है, और संसार में स्वाभाविक ही परमात्मा परिपूर्ण व्याप्त है। ये जो परिवर्तनशील एक परमात्मा में शक्ति है, ये जो बदलती रहती है, उस बदलने वाले के साथ में मिल जाते हैं तो हमारे में बदला देता है, मन देता है, दुख सुख आता है, मां आपत्तियां हो जाती है, तो बदलने वाले छोड़ दे, न बदलने वाला वो सब है जो बोलते हैं। आत्मसंस्त मन कृतवा न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो उसमें स्थिति स्वतः होगी, स्वाभाविक एकदम। गाढ़ नींद आती है उसमें भी स्थिति उस परमात्मा में होती है, परंतु वो अंतकरण मूर्छित हो जाता है, एक तरह से बेहोशी आ जाती है। नींद में अविद्या में मन बुद्धि लीन हो जाने से ज्ञान नहीं रहता, और ऐसे चुप रहोगे तो ज्ञान रहेगा। सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापले आत्मसंयम योगा अनुभूति ज्ञान दीपी थे, ये सबका होम हो जाता है, इंद्रियों की क्रिया और मन की क्रिया और प्राण की क्रिया सब आहुति हो जाती है। ज्ञान की दीप्ति एक सच्चिदानंद गण है, ये ज्ञान देवी भी मान रहे हैं। नींद में ज्ञान नहीं रहता, और ऐसे वैसे ज्ञान है, ज्ञान में ये लीन हो सके तो वो है सब जगह मौजूद, योग चुप हो जाए जितना कह सको, शांति से रहे। फिर कोई मन में संकल्प आ जाए तो संकल्प आने पर भी कोई दूसरा नहीं, वही परमात्मा है। जैसे समुद्र में लहर उठे तो लहर कोई जड़ से अलग थोड़ी है, वो जड़ ही लहर रूप से आ गया। इस दिन कोई याद आ जाए तो परमात्मा तत्व ही है, आ गया तो उसमें राग द्वेष न करें, कहाँ आ गया, चिंतन क्यों हो गया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए मंदा नहीं होना चाहिए, उसमें वो एक परमात्मा परिपूर्ण है बस, अच्छा मंदा कुछ नहीं, वो है सर्वोपरि है ही है। ऐसे चुप हो जाएगा, ऐसा एक दृढ़ निश्चय करो सब में परमात्मा परिपूर्ण है। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद कहता है, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, अनुभवी संत कहते हैं, सब जगह परिपूर्ण है। इसको मान ले, याद समझ में नहीं आए तू ही मान ले, अरे समझ में आ रही है, हरी कथा नहीं है,
संसार को नहीं है, संसार है दिख रहा है, तो ये है संसार का नहीं है, उस परमात्मा का है वो दिख रहा है संसार में। संसार तो एक क्षण भी टिकता नहीं, फिर भी है दिखता है, तो है वही है, वो परमात्मा रूप से है, संसार रूप से देखते ही गलती करते ये नहीं है, वो है में स्थिति हमारी स्वतः है स्वाभाविक, शरीर में स्थिति हमारी बनाई हुई है, स्वाभाविक नहीं है, शरीर में स्थिति हमारी स्वाभाविक स्वतः नहीं है, मानी हुई है, कारण गुण संगुणों का संग होने से। अब इसमें जितना अनुकूल प्रतिकूल का मैं राजी नाराज होंगे इतनी ये गांठ घुल जाती है, द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व से बहुत ज्यादा प्रसाद होती है, तो है ही नहीं, उसमें दो भाव कर लेती है, ठीक रहे गे ठीक, तो फंस जाता मजबूती से, किन भद्रम के माँ भद्रम क्या ठीक है क्या बेटी बस तो है ही नहीं, इसे उपरा मर जा, जितना ये राग द्वेष होगा बढ़िया घटिया होगा उसे राजी और नाराजी होंगे, जितना अधिक होंगे उतना ही ज्यादा प्रसाद होंगे, कि दो है नहीं, एक में दो करके दो कर फल, दो में एक अचार मंदा दो करके फल जाते, ऐसे उपराम हो ऐसा निश्चय होने पर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भी हर समय ये रहे परमात्मा है। जैसे कोई गहरे समुद्र में उतर जाए पानी में मीलों तक, तो पानी ही पानी है, नीचे पानी है, ऊपर ही पानी है, चारों तरफ पानी है, सब तरफ जल ही जल ही है, इसलिए उस परमात्मा में उतर जाए, परमात्मा परमात्मा है, एकदम सच्ची बात है, उस परमात्मा की अंतर्गति है, सब संसार अंतर्गत है। इसी बात को लेकर कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन पिया सीधे मुझे देखता हूं तो हंसी, मुझे देखने में हंसी आती है कि पानी में मछली प्यासी, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा में रहते हुए दुखी जीव दुखी होता है, अरे आनंद ही आनंद, कोरा आनंद ही आनंद, उस आनंद के बीच में तुम्हारा निवास है हरदम, उस तरफ दृष्टि न देखने के कारण से तुच्छ वस्तुओं की दृष्टि है कि अमुक नई चीज मिली, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, रुपया नहीं मिला, पदार्थ नहीं मिले, भोग नहीं मिले, आराम नहीं मिला, ये जो नहीं मिला नहीं मिला करते, जो नहीं मिलने वाली है नहीं रहने वाली है उन चीजों की इच्छा करके वो फिर दुख पा रहे, कुछ आना है कुछ मिला है उसने बैम पड़ता लखपति हो गए करोड़पति हो गए, कुछ नहीं हुआ है, धोखा हुआ धोखा कोरा धोखा, कुछ रहेगा समय बर्बाद करने के लिए ये एक तरीका है, पारमार्थिक उन्नति न हो जाए इसके लिए यह चीजें सभी समझते हैं कि ये मिल गया वो मिल गया, मिला कुछ नहीं, धोखा हो रहा है, परमात्म तत्व से वंचित हो रहे हैं, ये नतीजा से ये होगा, रुपया मेरे से राजी हो गए तो राजी क्या हुए, परमात्मा तरफ चलने में अटकाव हो गई, और नहीं मिल गया घाटा लग गया नाराज हो गए, तो नाराज क्या हो गए, परमात्मा तरफ चलने में बाधा लग गई, आज मर जाए तो नफा है ना नुकसान है, तो नुकसान एक बड़ा भारी हुआ कि परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते थे उससे वंचित हो गए, आप विचार लो और क्या हुआ, शंका हो तो बोल दीरों संसार का लाभ हरानी दोनों है ना, मान अपमान है निंदा स्तुति लाभ हरानी जन्मना और मरना आना और जाना, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है, ये परिवर्तनशील एक विभाग है उसके अंतर्गत सब हो रहा है, आप तो परमात्मा नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन असल के साथ सोते हैं, इनके साथ मिल जाते हैं,
ये कृत्रिम मिलना है, ये वास्तविक नहीं है, ये बनावटी, इसको अच्छा रहेगा नहीं, इसके साथ मिलना अच्छा रहेगा नहीं। धनवान अधन निर्धन हो गया, निर्धन धनवान हो जाता है, बाल का जवान हो जाता, जवान का बुढ़ा हो जाता है, रोगी का निरोगी, निरोगी रोगी हो जाता है। इसमें किसी में ठहर नहीं सकता कोई भी, कैसे ठहरे, ये सब बदला है सर। अरे स्वयं है नित्य सर्वगत स्थान असल, तो असल उसे सिद्ध असल में ही है, परमात्मा में ही है। तो एक परमात्मा सिद्धि हमारी स्वतः सिद्ध, इस बात को जोर से आप मान रहे हैं, पहले नहीं देखे तो मत देखो, बात सच्ची है, एकदम बात ठीक है, ऐसे मान करके और वर्षे जो है बृतिया बोलो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, बाहि बृतियां पूछो, संतन का आलस ऊ उबासी आवे, जद हर्ष हर्ष तस दीते मन रे जागन जा जाए की जान करना भगवान में, आलस ऊ उबारो तो मन रे पद गा दो बस, ऐसे उसे तो भगवान नाम ले लो, कीर्तन लो, याद कर लो, कीर्तन कर लो, मस्तित रहे आप सत ही स्वाभाविक, आलस आ गई नींद आती है, कीर्तन करो जोर जोर से, भगवान नाम का कीर्तन करो, जिससे वो जागृति हो जा, बेहोशी मिट जा, अविद्या ज्ञान आता है उसमें लीन होता है अंतर्ग्रंथ, वो लीन तो मिट जा। फालतू जो काम किया है पहले उसे संस्कार पड़ा है, तो फालतू आती नहीं है, फालतू याद आती, आती कुछ नहीं है, वो पहले किया है काम, वो संस्कार है, बेचारे भागते हैं, वो परमात्मा की तरफ चलते हैं तो बाहर निकलते हैं, अब वो आगे आगे आकर के उसको सच्चा मान लेते हैं, सच्चा है नहीं, वो तो निकल रहा है, भगवान की कृपा निकाल रही है, निकल रहा है हरदम, ये जा रहा है, आ रहा मत माना, ये तो जा रहा है, भीतर समा जमा था वो निकल रहा, निकल जाए। जैसे किसी मकान में अंधेरा भरा हुआ हो, धुआं भरा हुआ हो, उधर से खुद से धुआं निकलता है, बहुत धुआं है इसमें, अगर धुआं निकल जाएगा, भरा है निकल जाएगा, ऐसे परमात्मा तो चिंतन करने से वो फालतू निकल जाएगा, तो उसको ना अच्छा समझो ना मंदा समझो, अच्छा और मंदा दोनों समझो तो पकड़ लो, वो पकड़ी जाए, वो फालतू बात पकड़ी जाएगी, निकलेगी, इसमें ना अच्छा मंदा मानना है ना मंदा मानना है, कुछ नहीं मानना है, है ही नहीं उसने, क्या तो अच्छा है क्या मंदा है, तत्व ही नहीं है, चीज ही नहीं है, तो असली बंदी क्या है, आप सोचो बढ़िया आई बात है, घटिया आई, और घटिया बढ़िया क्या है, फोन आया चली हो, उसमें क्या बढ़िया है क्या घटिया, मिट रही, वो मिट रहा है, आ रहा मत मान, मिट जाएगा, अब साहब एक परमात्मा है, देखो नहीं है उसको लेकर घबरा रहे हो, है उसको ध्यान नहीं देते हो, ये दो बात याद कर लो, पुरानी कोई बात याद आती है वो अभी नहीं है, सत्य नहीं है, और अगर कोई काम करना है उसी याद आए, वहां जाना है, उसे मिलना है, काम करना है, तो वो भी भविष्य में अभी नहीं है, पर पुरानी बात है वो पहले थी अभी नहीं है, और परमात्मा अभी है, अभी है उस तरफ से तो विमुख हो गए, और नहीं है उसको पकड़ लिया, और दुखी होता है ऐसा मन में संगली बगली बहुत आते हैं, मन ठहरता नहीं, मन लगता ही नहीं, क्या मन तो लगता ही नहीं, क्या नहीं मन लगता है, भूत भविष्य है ही नहीं, वे अभी नहीं है उसको पकड़ लिया, ये मन का न लेना हो, मन लगता नहीं, मन क्या लगते नहीं, आप लग जाओ है परमात्मा, उस हम तो स्थित है, मन लगे न लगे, मन की एक वृत्ति है, ये तीन बात कही ना, ये पहले हुआ अब नहीं है, और अगर ही होगा अब नहीं है, और परमात्मा भी है, इसमें कुछ शंका और बोलो, है उसमें स्थित रहो, नहीं है उसमें उलझ कर कहते हो मिटता है, ऐसा संग मिटता ही नहीं, अरे मिटा नहीं क्या है ही नहीं है,
अभी कोई पूरी बात याद आई तो घटना याद आती है थोड़ी, अभी अभी तो नहीं है ना। ये तो बात प्रत्यक्ष बिल्कुल है, अगर परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो वो तो है, याद आ उसी कण कण में भगवान है। कोई घटना याद आई, बालकपण की याद आई, खेलकूद की बात आई, तो वो खेलकूद तो बाहर नहीं है, वो बालकपण नहीं है, पर जो याद है उसको कण कण में भगवान है उसको पकड़ो। और नहीं हो क्या पकड़ते हो, अरे नहीं को पकड़ते रहो तो जरूर मन नहीं रहेगा, फालतू बात की बात। नाम तो अच्छी बात है अजी जगह, मैं कहूँ आप उस साले को पकड़ो बहुत है, जिसमें जो आपको ठीक लगे, आपका मन लगे, जिस वो नाम पकड़ लो और दुआ करो। देखो मैं कहता हूँ ना, मैं अभी बात नहीं छेड़ी आई, अभी मैं इष्ट की अनिष्ट की अपनी बात नहीं छेड़ी है, मैं छेड़ी एक परमात्मा है, दुर्गा रूप से है तो है, विष्णु रूप से है तो है, शिव रूप से है तो है, गणेश रूप से तो है, सूर्य रूप से है तो है, निराकार रूप से है, निर्गुण रूप से है, शिव रूप से है, जो आप समझो उसी रूप से है, वो है गोप का। अब उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग इष्ट बता दिया, रुचि नाम विचित्र नाना पद जो शाम, जैसी रुचि है उसके अनुसार है। देखो ध्यान देना बात बताता हूँ, भूख होती है ना वो सबकी एक होती है, भूख है भूख लगी एक होती है, और भोजन करने के बाद तृप्ति भी एक होती है, पर भोजन की रुचि अलग होती है, किसी को कोई साग अच्छा लगे, किसी को मिर्ची तेज अच्छी लगे, किसी को मंद मिर्ची अच्छी लगे, किसी को मिर्ची भावे ही नहीं, ऐसे रुचि दो की भी एक समान नहीं होती। भोजन करने की रुचि भोजन की शौक बुनियाद में आएगी, पर भूख और तृप्ति एक है ना, ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर तृप्ति एक होगी, और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं है तब अभाव एक है, दुख पा रहे। अब ये जो क्या है, एक तो कृष्ण भगवान एक दुर्गा है, ये रुचि है, ये तो भोजन है, अब आप रुचि में ले लो तृप्ति एक हो जाएगी, कैसी बढ़िया बात है, अंत में तृप्ति एक हो गई। और वो तृप्ति का सीधा रास्ता बताया मैंने कि आप चुप हो जाए, शांत हो जाए, उस परमात्मा में ही स्थिति होगी, जिसकी प्राप्ति करते हैं बड़ी भारी दुर्लभ कहते हैं, उसमें स्थिति होगी सीधी सरलता से, क्यों सब जगह है तो इस जगह आप नहीं रहोगे तो सब जगह वही भगवान है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति में है, तो आपने चुप होकर किया वहां आपकी परमात्मा में स्थिति है, चिंतन करने की जरूरत नहीं, चिंतन करोगे तो मन को ले लो, बुद्धि को साथ में ले लोगे तो ये कूड़ा कचरा मिल जाएगा, नहीं तो शुद्ध परमात्मा में निश्चित होगी। जैसे एकदम परमात्मा में और कहाँ होगी स्थिति, होगी कहाँ, और चिंतन करो तो मन साथ में हो जाएगा, जिस विषय दिन वो साथ में हो जाएगा, एक कूड़ा कचरा ले लिया, जो बदलने वाला है उसको पकड़ लिया, और नहीं बदलने वाला तो सत्य ही स्वाभाविक, बहुत सुगम है और बहुत श्रेष्ठ है, उस परमात्मा स्थिति के समान कोई चीज है ही नहीं। अरे ये समझ सब मिट जाएगा तो मिटने वाला ही है बस, ये जितना पैदा होता है वो मरने के लिए ही होता है और खास काम नहीं है, ये आप देखा सुना, जो पैदा होता नष्ट हो, मन में संग तो कोई नष्ट होने वाला है, तो नष्ट ही हो रहा है, नाश ही हो रहा है, नाश होता है अभी होता है, नाश होने के क्रम को स्थिति कहते हैं। बालक पैदा हुआ, अब बालक है, वो है क्या कि मर रहा है, नाश होने के क्रम को स्थिति कहते हैं। आप बताओ और है वो स्थिति, नाश का जो क्रम है उसका नाम स्थिति है कहाँ नहीं है, नाश हो रहा है, इस बात संकल्प विकल्प भी एक एक नाश की स्थिति है, नष्ट होने वाली स्थिति, उधर भी रहा है सच्चिदानंद।
अभी आपको उस अनुभव कुछ भी नहीं हो, शून्य शून्य दिख रहे तो भी आप डर जाओ, इसे धृतिग्रह गया बुद्धिया धृतिग्रह धैर्य रखो धैर्य रखो घबराओ, कुछ नहीं दिख रहा मैं, कुछ नहीं देखना है अपने को, कुछ देखना ही नहीं, किसी ऐसा विलक्षण आनंद होगा किसी किसी का कुछ वर्णन नहीं कर सकता, क्यों है वो। अभी तो संसार की दृष्टि है ना, जैसे प्रकाश में से अंधेरे में जावे तो एकदम दिखेगा नहीं, कई दिन बाद दिखने लगेगा, तो इस संसार में चमक में क्यों आने लगा, कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा ठहर जाओ दिखने लग जाएगा, वो दिखने लग जाओ, वो दिखना मिटेगा नहीं, वो कभी नहीं मिटेगा। कितने साल लगा दो अभ्यास, कुछ नहीं करना, नहीं करने का अभ्यास है, करने का अभ्यास नहीं पड़ता, जो तो आफत है वो नहीं, हम तो आप से छुड़ाते हैं बाबा, आप करना करो, कुछ नहीं करना, एक परमात्मा है ये मान करके उसमें से तो जाओ, कुछ करना कुछ उसमें स्थिति स्वतः आपकी है, कुछ भी नहीं करना, आज बताइए ना, ये धोखा खड़ो रह जाए संसार में, खड़ो रह जाए धोखा लगे, खड़ो नहीं रहे ना ये हो जाए धोखा लगे, वाह छोड़ा कुछ नहीं, सामना करे तो तीन दिन क्या सुना, ऐसी प्रॉब्लम आए जोर से, एक परमात्मा हाथ में से मना करते हैं तीन दिन से, आधा सेकंड सेकंड भर भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम हुआ, दो तीन सेकंड हो जाए तो बड़ा भारी काम हुआ, मामूल नहीं हुआ, हजारों भर में तपस्या करो इतना काम दो तीन सेकंड में, हजारों बस तपस्या का इतना काम नहीं होगा जितना दो तीन सेकंड में आप से हो जाओगे, अभी सब कुछ मत दिखे पर बहुत विलक्षणता होगी, बहुत महत्व है, और एक शक्ति आती है इससे, ये जो राग द्वेष है ना अनुकूलता प्रतिकूल का असर पड़ता है इसमें से तो असर नहीं पड़ेगा, मान का अपमान का नफे का नुकसान का सहयोग का वियोग का आने का जाने का शक्ति आ जाता, हरदम इस ताकत टूट, नारायण नारायण नारायण।